तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हम आज डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, जो हमने पिछली बार से छोड़ा था, कि मेरे पास अगर स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम आती है तो उसको करना कैसे। तो स्प्रिंग की एक नॉर्मल प्रॉब्लम आती है, एक स्प्रिंग को तोड़ के लगा देना तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर हमारे पास सीरीज में जोड़ दिया, फिर पैरेलल में जोड़ दिया तो टाइम पीरियड पे आपके पास क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी। आज हम थोड़ी सी अलग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। आज जो मेरी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बच्चा हमारे पास है द स्प्रिंग एंड द पुली प्रॉब्लम, द स्प्रिंग एंड द पुली प्रॉब्लम। और हमारे पास स्प्रिंग एंड पुली प्रॉब्लम के अंदर इन सभी स्प्रिंग्स को मासलेस माना जा रहा है एंड द फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर। हमारे पास इसके अंदर मान लिया जाए कि ये मेरे पास यहाँ पर एक पुली है बच्चे, और इस पुली के यहाँ पर मेरे पास इसको एक सपोर्ट दिया गया इस तरीके से, और मेरे पास यहाँ पर एक थ्रेड, यानी कि मेरे पास एक थ्रेड जो है वो यहाँ से आपके पास इस तरीके से आपके पास हो रही है, और यहाँ पर मेरे पास एक स्प्रिंग को जोड़ दिया गया। नाउ ये एक स्प्रिंग यहाँ पर जुड़ गई है, और इसके नीचे मेरे पास एक मास है MKG का, जिसको यहाँ पर लगा दिया गया। और जो स्प्रिंग है, नाउ स्प्रिंग कांस्टेंट इज के, और मेरे पास इसको मैंने नीचे ज़मीन के साथ जोड़ दिया। और टीचर मुझे बोलता है कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर आपके पास सेटअप। तो ये टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? तो ये टाइम पीरियड हमारे पास निकलेगा ऐसे कि अगर मैं इस मास को जो लटका हुआ है इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ एज्यूम करूं कि मैं लेके आ जाऊं, और ये मास अगर थोड़ा सा नीचे हमारे पास आ जाए, थोड़ा नीचे कितना, तो हमारे पास अगर ये एक्स डिस्टेंस नीचे की तरफ को आ जाए तो नेचुरल सी बात है जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, इलॉन्गेट हो जाएगा। और जैसे हमारे पास स्प्रिंग इलॉन्गेट होगा और मैं यहाँ से इस मास को रिलीज करूँगा तो ये मास ऊपर वापस जाएगा, और फिर ऊपर जाकर फिर दोबारा नीचे आएगा, और हमारे पास इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन अगर आप कहो तो वो हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। सो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आए जिसमें पुली है और ये पुली मासलेस है, फ्रिक्शन एब्सेंट है, रस्सी मासलेस है, स्प्रिंग भी मासलेस है, और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट मेरे पास के बराबर अकेला मास ही है, और टीचर बोलेगा कि इस मास को मैंने नीचे पुल करके छोड़ा, तो पूरी सिस्टम ऑसिलेट करने लग जाता है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन? तो हमको ये बताना है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन? चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको करने का सबसे आसान तरीका, मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना और आपका यहाँ पर काम बन जाएगा। नंबर वन स्टेप हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है कि हम यहाँ पर इस बात को कंसीडर करें कि कंसीडर अ मास हमारे पास इज डिस्प्लेस्ड सो एज टू प्रोड्यूस द ऑसिलेशन। द मास इज डिस्प्लेस्ड टू प्रोड्यूस, ताकि हम यहाँ पर प्रोड्यूस करें किसको बच्चे, ऑसिलेशन को, टू प्रोड्यूस द ऑसिलेशन, ताकि हम यहाँ पर ऑसिलेशन को प्रोड्यूस कर सकें। मास को डिस्प्लेस करना है कितने डिस्टेंस से, एक्स डिस्टेंस से। इसके बाद हमारे पास ये जो स्प्रिंग है इसके अंदर इलोंगेशन आ जाएगी, बिल्कुल आएगी। हमने यहाँ पर इस इलोंगेशन को कितना एज्यूम किया हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स, ये इलोंगेशन। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डेवलप्ड एंड डेवलप एंड डिस्ट्रीब्यूट द टेंशंस एंड डिस्ट्रीब्यूट, आपके पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट द टेंशन इन द कंप्लीट सेटअप, यानी कि हम यहाँ पर ये आपके पास जितना भी सेटअप है इसमें टेंशन को आप डेवलप करेंगे और हम यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर हम इस टेंशन को डिवाइड करेंगे। डेवलप एंड डिवाइड द टेंशन इन द कंप्लीट सेटअप, इन द कंप्लीट सेटअप, टेंशन इन द कंप्लीट सेटअप। हमारे पास हर एक सिस्टम के अंदर आपको टेंशन डेवलप करनी है। जब ये मास नीचे जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर टेंशन टी डेवलप हो जाएगी,
यहाँ पर मेरे पास टेंशन टी डेवलप हो जाएगी, ये हमारे पास टेंशन टी डेवलप हो जाएगी, और ये टेंशन आपके पास टी डेवलप हो जाएगी। मेरे पास यहाँ पर आपके पास हर जगह पे टेंशन क्या डेवलप हो जाएगी, मेरे पास टी टेंशन डेवलप हो जाएगी। और जैसे मेरे पास यहाँ पर टेंशन आपके पास टी डेवलप हो जाएगी, तो अब मेरे पास यहाँ पर तीसरा स्टेप जो कि इम्पॉर्टेंट है। नाउ हम यहाँ पर अब इलोंगेशन इन दी स्प्रिंग को कैसे ढूंढेंगे, इलोंगेशन इन दी स्प्रिंग, इलोंगेशन इन दी स्प्रिंग इज इक्वल टू द टेंशन इन दी स्प्रिंग, द टेंशन इन दी स्प्रिंग डिवाइडेड बाई स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, डिवाइडेड बाई मेरे पास यहाँ पर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, डिवाइडेड बाई स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। मैं एग्जैक्टली आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिससे ये प्रॉब्लम आपकी बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगी, और ये जो यूनिक क्वेश्चंस हैं इनको करने में आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। दो तीन प्रॉब्लम्स जब तक आप नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, पर बिलीव में जब कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा तो आप बाकी बच्चों से बहुत आगे होंगे, अब बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चन कर पाओगे और एक्यूरेट क्वेश्चन कर पाओगे। ये तीसरी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टेंशन टी है, तो यहाँ पर मेरे पास इलोंगेशन इन दी स्प्रिंग किसके बराबर होगी, हमारे पास इलोंगेशन ऑफ दी स्प्रिंग विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास टेंशन टी है और स्प्रिंग कांस्टेंट मेरे पास कितने के बराबर है, के बराबर, तो टी डिवाइडेड बाई के, टी डिवाइडेड बाई के। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट 2 के होता तो टी डिवाइड बाई 2 के हो जाता, अगर टेंशन 2T होती तो 2T अपॉन K हो जाता, वो जैसा भी हमारे पास उस वक्त रिजल्ट आएगा हमने उसी से उसको समझना। तो इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग आ गई, और अब हमारे पास आता है फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है ध्यान से समझना, और वो ये बच्चा हमारे पास कि हम इसकी अब इक्वेशन को बनाएंगे। सो इसके ऊपर कौन सी इक्वेशन बनेगी, इसकी इक्वेशन हमारे पास बनेगी टेंशन टी मल्टीप्लाइड बाई एक्स। अब ऐसा मैंने क्यों किया, हमारे पास मास के ऊपर टेंशन टी है और मास कितने से नीचे आ रहा है, एक्स से, तो टी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस सम ऑफ, अब ध्यान से समझना ये बहुत आगे तक जाएगा, सम ऑफ दी टेंशन इन ईच ऑफ दी स्प्रिंग, इन ईच ऑफ दी स्प्रिंग मल्टीप्लाइड बाई स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, मल्टीप्लाइड बाई मेरे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, और इन सब का सम हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हमारे पास इनका सम 0। और ये समेशन क्यों, यहाँ पर तो मेरे पास एक स्प्रिंग है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्प्रिंग होंगे तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में उनको हम आपस में ऐड करते चलेंगे, ऐड करते चलेंगे। तो टी इंटू एक्स प्लस समेशन ऑफ टेंशन इन दी स्प्रिंग मल्टीप्लाइड बाई उसी चीज का हमारे पास, एक मिनट, टेंशन इन दी स्प्रिंग, आई एम नॉट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास है इलोंगेशन इन दी स्प्रिंग, मल्टीप्लाइड बाई दी इलोंगेशन इन दी स्प्रिंग, उसी स्प्रिंग की जिसकी आप टेंशन लिख रहे हो, तो इलोंगेशन इन दी स्प्रिंग और इन सभी का सम 0 के बराबर आ जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल से। तो ये सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल मैंने लिया, और रीजन मैं आपको बताता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करें। तो यहाँ पर मेरी इक्वेशन बन जाएगी टी इंटू एक्स प्लस टेंशन इन दी स्प्रिंग टी ही है, और इसमें इलोंगेशन कितने के बराबर है, टी बाई के इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वी हैव टी इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी स्क्वेयर अपॉन मेरे पास क्या आ जाएगा, के। इसके बाद मेरे पास एक टी से एक टी कैंसिल, और वी कैन राइट डाउन टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू एक्स। एक्चुअल में ये बच्चे हमारे पास क्या चीज आई है, ये हमारे पास आया के इफेक्टिव, ये वाली चीज, नाउ दिस इज द के इफेक्टिव। और हम यहाँ पर अब टाइम पीरियड
स्मॉल टी से डिनोट करेंगे ताकि आप टेंशन से कंफ्यूज ना हो जाओ। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या होता है एम, क्योंकि मास एम के जी का है तो एम लिखेंगे, एंड डिवाइडेड बाय के, क्योंकि लास्ट में रिजल्ट के साथ आपके क्लिक क्या आया बच्चे, के आया, क्योंकि लास्ट में बच्चा हमारे पास रिजल्ट के साथ आपके लिए क्या आ रहा बच्चे, के आ रहा। तो ये हमारे पास इस तरीके से इस क्वेश्चन को करने का एक मैकेनिज्म है, ठीक है, थोड़ा सा नई टेक्निक है। और नई टेक्निक के अंदर हमेशा सबसे पहले किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है कि सही भी होगा या नहीं होगा, पता नहीं काम भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, पेपर में ये टेक्निक मैं लगा भी पाऊंगा कि नहीं लगा पाऊंगा। अरे इन चीज़ों को आप छोड़ो, जब आपको ये चीज़ हम करवा रहे हैं इसको जल्दी से जल्दी अपने दिमाग के अंदर रखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, जितने जल्दी क्वेश्चंस करेंगे हमको फ़ायदा उतना ज़्यादा होगा। सर जरूरी है कि एक साइड फिक्स ही रहेगी? दो मिनट वेट कर। एग्जामिनेशन के अंदर जब आप बैठते हो तो वहाँ पर बच्चे आपकी टेक्निक से अगर आंसर आ रहा है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा बूस्टअप होता है। इतनी तो बात तुम भी समझते हो कि मैंने पेपर देखा और ये पहला भी क्वेश्चन आता है, दूसरा जो किसी बच्चे को बहुत मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, अरे मैंने तो बड़ी जल्दी कर लिया, तो बूस्टअप हो जाता है, एक अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है। बोलो कार्तिक। सर ये फोर्थ स्टेप में आपने टेंशन इनटू इलोंगेशन किया है, फिर प्लस टेंशन इनटू इलोंगेशन किया है, दोनों बारी करना है? नहीं, यहाँ पर ये इलोंगेशन किसकी है, ये टेंशन इनटू एक्स है, और एक्स बच्चे हमारे पास इलोंगेशन किसकी है बच्चे, इस मास को आप एज्यूम कर लीजिए, मेरी बात समझो। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप इस इलोंगेशन को किससे आप रिप्लेस कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट से, कि हमारे पास जो मास है आप उसको एक्स डिस्टेंस से नीचे खींचोगे तभी तो सिस्टम क्या करना स्टार्ट करेगा, ऑसिलेट। मेरा पॉइंट समझ पा रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट कर ले। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो आपको और समझ में आएगा। अभी तक तो एक स्प्रिंग थी, अब स्प्रिंग का ढेर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादा ढेर नहीं लगाते, थोड़ा थोड़ा ढेर लगाते हैं। तो अब मेरे पास ये दूसरी प्रॉब्लम है जिसमें अगेन मेरे पास अभी तक एक पुली है, इस पुली के अब ऊपर भी मैंने स्प्रिंग लगा दी यहाँ पर, और फिर मेरे पास एक स्प्रिंग को मैंने यहाँ पर लगा दिया, ये यहाँ पर लगा दिया, और मेरे पास यहाँ पर अभी हम स्प्रिंग नहीं लगाते हैं ताकि सिस्टम आप पहले समझो, उसके बाद आपके जब क्वेश्चन निकलने स्टार्ट होंगे तब आपको मेरी ज़रूरत भी नहीं होगी। रिमेंबर, आपको मेरी ज़रूरत भी नहीं होगी, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि मेरे स्टूडेंट्स को अभी मेरी ज़रूरत नहीं रही, ये बहुत अच्छी बात होती है, पता है आपको, दिस इज़ नॉट ए रॉन्ग स्टेटमेंट। कई बार बोलते हैं बच्चे, नहीं सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, अरे यार तुम एबल बन जाओगे, तुम क्वेश्चन कर पाओगे, कितनी अच्छी बात है कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप बोलो सर आप छोड़ो हम कर लेंगे, कितनी अच्छी बात होती है, टीचर के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है बच्चा क्वेश्चन निकाल पा रहा है। मैं अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के मान लेता हूँ, ऊपर वाले का 2k मान लेता हूँ, राइट। अब टीचर मुझे बोलता है कि आप इसका टाइम पीरियड निकाल कर बताएं, मैं कैसे करूँगा, सब फोकस करना, सब ध्यान रखना कि मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ से पहले मैं एम के जी के मास के ऑब्जेक्ट को कहाँ पर लेके आ जाऊँगा, नीचे, ये हमारे पास यहाँ से कितना डिस्टेंस नीचे आ जाएगा आपके पास, एक्स, क्लियर होगी बात। जैसे ये एक्स डिस्टेंस नीचे आएगा इसमें टेंशन क्या डेवलप हो जाएगी, टी, यहाँ पर टेंशन टी, यहाँ पर भी टेंशन टी, और यहाँ पर भी टेंशन टी, क्या ऊपर वाली रस्सी में भी टेंशन टी डेवलप होगी कि 2t डेवलप होगी, ये बच्चा हमारे पास अब 2t और यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगी, 2t। पहले तो आपने ये बात समझी, मैं जैसा जैसा आपको बता रहा हूँ मैं कर भी वैसा ही रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला कि पहले आप मास m को नीचे लेके आओ, डेवलप एंड डिवाइड द टेंशन इन द कंप्लीट सेटअप। अब आपने दो स्प्रिंग है तो दो इलोंगेशन निकालनी है, और देखो तरीका, देखो मैं कैसे करता हूँ, इस नीचे वाले इसके अंदर से टेंशन कितनी लग रही है, टी, और स्प्रिंग कांस्टेंट है के, तो हमारे पास इसकी इलोंगेशन, इस स्प्रिंग की इलोंगेशन किसके बराबर है, टी अपॉन के। ऐसा ही पेपर में भी करना है, ऐसा ही आपने बेटा यहाँ पर पेपर में भी करना है कि यहाँ पर टी बाई के, और यहाँ पर टेंशन है 2t और स्प्रिंग कांस्टेंट है 2k, तो हमारे पास 2t अपॉन आपके पास 2k। अगर मेरे पास
तीन से चार स्प्रिंग है, ये है वो है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन लगा सकता हूँ, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं, बहुत आराम से बच्चे। तो 2t/2 के, या फिर इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसकी इलॉन्गेशन कितने के बराबर है, t/2 के। अब तीसरा स्टेप हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया, अब आता है फोर्थ स्टेप जिससे मेरा आंसर आएगा, और एक लाइन के अंदर या दो लाइन के अंदर आंसर आएगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मास के ऊपर टेंशन है टी, और ये एक्स से नीचे आ रहा है, तो कार्तिक टी इंटू एक्स प्लस दो स्प्रिंग है, तो अब मेरे पास दो बार आपके पास कुछ चीजें आएंगी। पहला स्प्रिंग, पहले स्प्रिंग की टेंशन है टी, और इसकी इलॉन्गेशन कितने के बराबर है, t/k। मेरे पास दूसरा स्प्रिंग टेंशन कितने की है, 2t, और इसकी इलॉन्गेशन कितने के बराबर है, t/k। टीचर K1 K2 भी कर सकता है, वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और मेरे पास यहां पर अब इनका सम किसके बराबर है, 0 के बराबर है। बहुत पावरफुल टेक्निक है, अगर समझ गए तो मैं जितना मुश्किल क्वेश्चन देता जाऊंगा आपको उतनी हंसी आएगी, सर ये तो हम कर लेंगे। हमारे पास यहां पर अगर हम आगे चले तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, मेरे पास आगे टी इंटू एक्स प्लस ऑफ टी स्क्वेयर बाई के प्लस ऑफ 2t/2 एंड दिस इज इक्वल टू 0, और मेरे पास टी इंटू एक्स इज इक्वल टू -3t² अपॉन आपके पास के, ये आपके पास कैंसिल, तो मेरे पास टेंशन टी किसके बराबर है, तो माइनस ऑफ K/3 × x। अब बताओ इसका टाइम पीरियड कितने के बराबर है। सो हमारे पास इसका टाइम पीरियड देखो कितने आराम से आपके पास आएगा, इस सिस्टम का टाइम पीरियड है मेरे पास 2π√ मास है m, और अब आपका स्प्रिंग कांस्टेंट के नहीं होगा, K/3, ये स्प्रिंग कांस्टेंट माना जाएगा, और आपके पास टाइम पीरियड किसके बराबर आ गया, 2π√3m/k, एंड ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जी अब बताओ इसके अंदर से कार्तिक, दक्ष, प्रथम, इनेश, आकृति, हमारे पास अब आप बताओ भवलीन, दिया, सलोनी, आरुषि, सचमन, ये बताओ दृष्टि, इसमें से क्या ऐसी चीज है जो आप यहां पर दोबारा से मुझसे सीखना चाहते हो, क्लियर ये वाली चीज। कार्तिक ने बोल दिया ठीक है सर, ठीक है दक्ष, क्लियर ये वाली चीज, प्रथम, अनेश, ये बात चीज क्लियर है, मैं आगे चलूं। यस अब चलते हम आगे की तरफ, आगे मैं तुम्हारे लिए ये नहीं है बेटा, जैसे दक्ष तू फूल फेंक रहा है तो मैं तुम्हें आसान क्वेश्चन समझाऊंगा, अगर तुमने ये बोल दिया ना तो क्वेश्चन इससे ज्यादा खतरनाक आएगा हमारे पास। चलो अब आपके पास यहाँ पर एक पुली आ गई बच्चे हमारे पास, ठीक, यहाँ पर मेरे पास एक स्प्रिंग आ गया बच्चे हमारे पास, ये आपके पास जी एक और स्प्रिंग आ गया जी, ये हमारे पास यहाँ पर आपके पास एक और स्प्रिंग आ गया, मजा नहीं आ रहा यार, एक और पुली लगा दो, यहाँ पर मेरे पास ऐसे आ गया बच्चे आपके पास, ठीक, और फिर मेरे पास यहाँ पर आपके पास एक और स्प्रिंग आ गया, ठीक है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एक मास आपके पास कितने का आ गया, MKG का, ये मास बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपके लिए किसका आ गया, MKG का, है ना। तो अब मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, तो K आ गया, यहाँ पर भी मेरे पास K आ गया, यहाँ पर मेरे पास 2K आ गया, और यहाँ पर मेरे पास 3K आ गया, क्लियर हो गई बात। अब टीचर मुझे बोलता है अगर ऐसा सिस्टम ऑसिलेशंस क्रिएट करता है बच्चे, तो हमारे पास इसका सिस्टम अगर आपके पास ऑसिलेशंस को क्रिएट करता है तो इस ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड क्या होगा, शुरुआत कहाँ से करोगे, तो शुरुआत हम यहाँ पर करते हैं फ्रॉम द मास ऑफ MKG, इसको हम एक्स डिस्टेंस नीचे लेके आ जाते हैं। अगर हम यहां से आपके पास MKG का आपके पास मास हम नीचे की तरफ को लेके आ जाते हैं, विच इज द डिस्टेंस एक्स, तो अब सबसे पहली चीज है टेंशन को डेवलप करना, और यहां पर टेंशन टी, ये आपके टेंशन टी, ये मेरे पास टेंशन टी, और ये मेरे पास टेंशन टी। अब कहानी है ऊपर वाले की टेंशन अब आपके पास कितनी हो जाएगी, तो ये मेरे पास यहाँ पर आपके पास 2t, और यहाँ पर मेरे पास 2t, यहाँ की टेंशन मेरे पास कितने के बराबर है, t/2,
और यहाँ की टेंशन मेरे पास है T/2। पहले तो एग्री करो आपको टेंशन समझ में आ गई, आ गया समझ में? कार्तिक, दक्ष, प्रथम, अनेश, क्लियर है? समझ में आ गई टेंशन? ये वाली टेंशन समझ में आ गई कि T/2 क्यों की गई है? क्योंकि बच्चे ये T/2 प्लस T/2 T के बराबर, ये 2T क्यों है? T प्लस T 2T के बराबर। अब यस सर, तीसरा स्टेप क्या है? अब तीसरा स्टेप क्या है? आपको इलोंगेशन निकालनी। तो इस स्प्रिंग की इलोंगेशन T/K है, इस स्प्रिंग की इलोंगेशन कितने के बराबर है जरा बताओ? 2T/K है। आपके पास इसकी इलोंगेशन कितने के बराबर है? T/2। और आपके पास इसकी इलोंगेशन कितने के बराबर है? T/6 के। लग गया पता T/6 के क्यों आया ना? पता लग गया T/6 के क्यों है? क्योंकि T/2/3 के 2 × 3 6 होता है, तो ये आ जाएगा। अब यही चीज अगर आप कहीं पर किसी पेपर में देखो तो आपको लगे यार ये क्वेश्चन करना कैसे है, मैं कैसे टाइम पीरियड निकालूंगा, इसमें इतने सारे स्प्रिंग है, कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। और अगर आप इस मेथड से सॉल्व करना शुरू करते हो तो आपको तो बहुत इजीनेस हो जाएगी, आपके लिए तो सारा एफर्ट ही खत्म। सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की थोड़ी समझ होनी चाहिए, थोड़ी आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। अब हम इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे जरा चेक करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मेरे पास आ गया T × x, तो ये T × x प्लस, अब आती है स्प्रिंग की बारी, तो बताओ कैसे करोगे? हमारे पास यहां पर पहले स्प्रिंग ये वाली, तो इसमें टेंशन T है और इलोंगेशन T/K मेरे पास, प्लस ये टेंशन ऊपर वाली में 2T, और बचे इलोंगेशन 2T/K के बराबर है, प्लस मेरे पास ये वाली चीज, तो टेंशन मेरे पास है T और आपके पास इलोंगेशन T/2K। फिर बच्चे हमारे पास लास्ट ये वाली टेंशन कितने के बराबर है? T/2 और इलोंगेशन T/6 के। और इन सब का प्रोडक्ट, यस प्रोडक्ट करके सम किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। अब मेरे पास आगे थोड़ी सी मैथमेटिक्स, और वो हम बच्चे हमारे पास T × x प्लस ऑफ, यहां पर मेरे पास T²/K प्लस ऑफ 4T²/K प्लस ऑफ T²/2K एंड हमारे पास प्लस ऑफ T²/, मेरे पास कितना आ जाएगा? 12K, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। मेरे पास यहाँ पर T × x प्लस ऑफ, ये मेरे पास T² कॉमन, के भी मेरे पास कॉमन, अब आपके पास क्या आ जाएगा? 1 + 4 प्लस ऑफ हाफ प्लस ऑफ मेरे पास 1/12 इज इक्वल टू 0। अब कोई बच्चा बताएगा कि इसका एलसीएम कितने के बराबर आएगा? इसका एलसीएम कितने के बराबर आएगा? शाबाश, वैल्यू आएगा सर, एलसीएम क्या बेटा? पहला एलसीएम होगा, क्या होगा? 12 12। अच्छा मैं बोला एल एलसीएम होगा, एल कहां से आ गया? अच्छा तो हमारे पास यहां पर, अब आपके पास ऊपर कौन कौन सी टर्म आती जाएगी? चल भी दक्ष स्टार्ट हो, पहली टर्म क्या लिखेगा सर? 12। दूसरी हमारा सर, एक मिनट, थ्री एक मिनट हाँ दूजी 12 क्या दूजी एक मिनट हाँ 12 ही आएगी। 48 48 प्लस नेक्स्ट कितनी आएगी सर? 6 6। अच्छा नेक्स्ट कितनी आएगी? ये तो सबसे मुश्किल लास्ट वाली 1 आएगी। 1 अब हमारे पास यहाँ पर इक्वल टू 0 और मेरे पास T × x प्लस ऑफ T²/K और हमारे पास ये 12 और 67, ये 67 बिल्कुल सही, ये 67/12 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, T(x) इज इक्वल टू माइनस T² मल्टीप्लाइड बाई 67/12 और हमारे पास एक टी से टी उड़ जाएगा, तो मेरे पास अब यहाँ पर के भी आएगा, सॉरी के मैंने नहीं लिखना, भूल गया, यहाँ पर नीचे ये हमारे पास के भी आएगा और मेरे पास यहाँ पर टेंशन टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, तो 12K/67 × x। तो अब मेरे पास इसका टाइम पीरियड किसके बराबर है? 2π√ ऑफ m / k।
और यहां पर अब के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 के और 67 आपके पास ऊपर चला जाएगा, और मेरे पास द टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ 67 m/12 के। मैक्सिमम बच्चे इसके ऑप्शन देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, कितना बड़ा नंबर आएगा कैसे, और इतने बड़े नंबर का क्वेश्चन मैं सॉल्व कैसे करूं, और इतनी सारी स्प्रिंग देख के तो बच्चे के वैसे ही होश गुम हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि मैं ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी यहाँ पर चेक नहीं करूंगा। तो हमारे पास चाहे जितने मर्जी सिस्टम आ जाए, जितने मर्जी बच्चे हमारे पास यहाँ पर स्प्रिंग का सिस्टम आ जाए, मैं बड़े आराम से और कंफर्टेबली यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ। अब तो जितने मर्जी स्प्रिंग लगा दो, ये स्प्रिंग वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसके अंदर से, पक्का? हाँ कार्तिक बोल। सर जैसे मुझे कंफ्यूजन हो रही थी, जैसे आपने जो डायग्राम में मिडल वाले से स्टार्ट किया टी टेंशन लेना, कहाँ से? आपने इस मिडल वाला इसमें नहीं है इसमें जहाँ पे इसमें यहाँ से टेंशन यहाँ। लिया ना, हाँ। टी ली तो आपने नीचे T/2 कर दी, देखो तो अगर मैं नीचे से TT स्टार्ट कर देता, ऊपर 2T 2T कर देता, ऊपर फैक्टर तो बच्चे 4T, उतनी आ जाएंगे कार्तिक, सेम ही अगर होगा मान ना। लिया जाए मतलब कि मैं इधर से स्टार्ट करूंगा टी और टी, तो ऊपर 2T आ जाएगा, यहाँ पर 2T 2T, तो ऊपर 4T चला जाएगा, तो दो तो नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यही बोल रहा है ना कि सर अगर मैं हाँ टी जी बाई हाँ टू जी को, हाँ जी फैक्टर तो 2 का मल्टीप्लाई तूने कर दिया, तो ऊपर वाला भी टी 2T हो जाएगा और ऊपर वाला 2T 4T हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे आंसर सेम ही आएगा ना। आंसर? फैक्टर तो फिर 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो तो कैंसिल होना ही होना, आंसर में कोई फर्क ठीक नहीं पड़ेगा बच्चे, आप जहाँ मर्जी स्टार्ट करें। ठीक है, मेरी बात समझ गया? हाँ जी किसी और बच्चे का डाउट इस टेक्निक के अंदर या इस तरह के कॉन्सेप्ट के अंदर, बच्चे किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो, और आप अब किसी भी कोचिंग का मटेरियल बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, जहां पर अगर ऐसे क्वेश्चन होंगे आप मेरी टेक्निक को अप्लाई करके देखो, आप बाकी बच्चों के मुकाबले जल्दी क्वेश्चन करोगे और आपका आंसर भी जल्दी आएगा। ठीक है, आसान भी होगा बच्चे और बढ़िया से हो जाएगा। चले अरे न्यूटन आगे। लॉ ही है। हाँ हाँ देखो, न्यूटन लॉ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम है ये, आपके पास टेंशन फोर्स है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन ही तो है। आप टोटल सर्किट का वर्क डन क्या लेके चल रहे हो बच्चे, पूरे सिस्टम का वर्क डन 0 ही तो कर रहे हो आप, हाँ या ना? हाँ या ना? जी तो वही तो कर रहे हैं हम इसके अंदर से, और कर क्या रहे हैं हमारे पास, हम यहाँ पर वर्क डन को 0 ही तो कर रहे हैं। तो अब वर्क डन और वर्क एनर्जी थ्योरम और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन। चलें आगे देखें बच्चे, आगे देखें। जरूर सर। चलो अब हमारे पास यहाँ पर ये आपके स्प्रिंग के आपके पास एक और प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं, जो थोड़ी सी आउट ऑफ द वे जाकर आपको लगेगी, और हमारे पास इसमें 3 स्प्रिंग्स हैं जिनको इस तरीके से लगाया गया, एक स्प्रिंग ऐसे है और हमारे पास एक स्प्रिंग ऐसे है बच्चे, ये 2 सेटअप है, और एक स्प्रिंग को हमने नीचे लगाया हुआ, और जो मास है वो ठीक बीचों बीच है MKG का, यहाँ पर मेरे पास ए का MKG का मास है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास, तो ये मेरे पास MKG का मास है, मेरे पास यहाँ पर एक स्प्रिंग यहाँ पर लगा दी गई है, आपके पास एक स्प्रिंग को मैंने यहाँ कहीं पर आपके पास लगा दिया, और तीसरी स्प्रिंग को मैंने यहाँ कहीं पर ऐसे अटैच कर दिया। समझ में आ गई बात? ये हमारे पास रिजिड बाउंड्री है, ये मेरे पास रिजिड बाउंड्री है, और मेरे पास यहाँ पर भी आपके पास कौन सी बाउंड्री है, रिजिड बाउंड्री, और मेरे पास ये मास कितने का आ गया आपके पास, MKG का, और मेरे पास यहाँ पर प्रगति मास कितने का आ गया बच्चे, MKG का, है ना? अब स्प्रिंग कांस्टेंट के ही मान लेते हैं ताकि सिंपलिसिटी रहे, हमारे पास ये के है, ये भी आपके पास के है, और ये भी मेरे पास के है, और हमारे पास खास बात क्या है ध्यान से समझना, कि मेरे पास यहाँ पर इनके बीच का एंगल आपके पास थीटा है, मान लेते हैं कि ये एंगल आपके पास कितने के बराबर है, थीटा के बराबर है, ये हमारे पास थीटा के बराबर है। अब क्वेश्चन शुरू होता है, क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ द मास ऑफ MKG, इफ द मास ऑफ कैपिटल सॉरी स्मॉल MKG इज प्रेस्ड, इसको बच्चे हम यहां पर प्रेस कर देते हैं डाउनवर्ड,
इसको नीचे की तरफ को हम प्रेस कर देते हैं एंड रिलीज्ड आफ्टर वर्ड। और अगर हम इसको रिलीज कर देते हैं आफ्टर वर्ड, अगर हम इसको रिलीज कर देते हैं आफ्टर वर्ड, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। हाँ जी, समझ में आया क्वेश्चन? अगर मैं इस मास को नीचे की तरफ को खींच के प्रेस कर दूं, इसको नीचे अगर मैं यहां पर प्रेस करके इसको छोड़ दूं, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? कार्तिक, हमको ये बात समझ में आती है? प्रगति, भवलीन, ये सिचुएशन मुझे समझ में आनी चाहिए। कैसे? मैं समझाता हूं। अगर हम इसका एक और डायग्राम बनाए तो ये बात मुझे वहां पर समझ में आती है। देखिए कैसे, मेरे पास यहां पर ये इस तरीके से, यह आपके पास दूसरा और ये मेरे पास तीसरा रिजिड सपोर्ट है। पहले मास ऊपर था, अब मैं मास को थोड़ा नीचे लेके आऊंगा। तो जैसे ही मैं दो डायग्राम यहां पर बनाऊंगा, एक आपके पास पुरानी पिक्चर है, पुरानी पिक्चर को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये देखिए, ये पुरानी पिक्चर है, ठीक। और हमारे पास पुरानी पिक्चर के अंदर ये स्प्रिंग आपके पास ऐसे अटैच था, राइट, ये स्प्रिंग ऐसा था और ये हमारे पास यहाँ पर ये स्प्रिंग की पुरानी आपके पास ये वैल्यू थी, ठीक, ये हमारे पास है। और इस तरीके से ये पुरानी आपके पास पिक्चर, जो हरा रंग है ये हमारे पास इसकी पुरानी कंडीशन को दिखा रहा है, पुरानी सिचुएशन को दिखा रहा है MKG। जैसे ही ये मास यहाँ से एक्स डिस्टेंस नीचे की तरफ को आएगा, अब बताओ क्या होगा? आपका जो नीचे वाला स्प्रिंग होगा वो खिंच जाएगा या फिर बच्चे वो दब जाएगा? क्या लगता है? नीचे वाला स्प्रिंग जब आप नीचे लेके आओगे, कंप्रेस होगा, वो कंप्रेस हो जाएगा। यह हमारे पास यहां पर, और कितनी बच्चे हमारे पास यहां पर फोर्स से कंप्रेस, कितने डिस्टेंस से कंप्रेस हो गया? एक्स से, राइट। ये बात पता लगती है बच्चे आपको? ये बात आपको समझ में आती है? और मेरे पास ये वाला स्प्रिंग क्या करेगा? क्या ये स्प्रिंग अब बच्चे हमारे पास सेम लेंथ का है, कंप्रेस हो गया, या फिर बच्चे हमारे पास ये आपका इलोंगेट हो गया? क्या हुआ इसके साथ, बताओ जरा मुझे। इलोंगेट हो गया, इलोंगेट। हमारे पास नीचे वाला स्प्रिंग आपके पास दब गया और ऊपर वाले दोनों स्प्रिंग इलोंगेट हो गए। अगर मैं ध्यान से देखूं, अब आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं, आपको एक्सटेंशन के बारे में पता लगेगा। ये देखिए, लग रहा पता बच्चे आपको? ये आपको पता लग रहा है? मैंने जो लाइन बताई, ये लाइन आपको क्या शो कर रही है बच्चे? इलोंगेशन, राइट और रॉन्ग? ये हमारे पास बता रही है इलोंगेशन। यहां पर अगर स्प्रिंग की लेंथ एल थी तो ये भी आपके पास एल थी, ये लेंथ अगर एल थी तो ये लेंथ भी एल थी। इस स्प्रिंग के अंदर इतनी इलोंगेशन हो गई है और इस स्प्रिंग के अंदर इतनी ही आपके पास और क्या हो गई है? इलोंगेशन। बात समझ पा रही हो? यस और नो? बात समझ पा रही हो? बात समझ yes, पा रही हो? लेकिन पॉइंट बच्चा हमारे पास ये है, अगर नीचे वाला स्प्रिंग एक्स डिस्टेंस से दब रहा है तो क्या ऊपर वाले दोनों स्प्रिंग एक्स डिस्टेंस से ओपन हो रहे? आंसर है नहीं, ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल। अब ये बच्चे इनकी इलोंगेशन को अगर मैं वाई और यहां पर वाई कंसिडर करूं तो मुझे कुछ सिचुएशन समझ में आनी शुरू। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? मिनट वेट करो। यहां पर मेरे पास मुझे सबसे पहले इन दोनों स्प्रिंग की इलोंगेशन चाहिए। यहां पर स्प्रिंग एक्स डिस्टेंस से दब गया और ये वाई और वाई से ओपन हो गया। अब ये वाई निकलेगा कैसे, जरा चेक करें बच्चे हमारे पास। अगर हम यहां पर देखते हैं और मैं एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये देखिएगा, फोकस करिएगा, और ये टोटल एंगल थीटा था तो ये एंगल आपके पास कितना हो जाएगा? बोलो शाबाश, थीटा बाई टू। और ये वाला एंगल आपके पास कितने के बराबर आ गया? थीटा बाई टू। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो कि थीटा बाई टू और थीटा बाई टू कैसे हो गया? और फिर बताओ कि ये वाला एंगल कितने के बराबर और ये वाला एंगल कितने के बराबर? मैं पिक्चर यहां पर ड्रॉ कर दूं, मेरे पास एक ये चीज है और आपके पास एक लाइन यहां पर जा रही है, एक लाइन आपके पास यहां जा रही है, ये आपके पास ये वाली लाइन एक्स डिस्टेंस वाली है।
ये हमारे पास एक्स है, क्लियर हो गई बात। और मेरे पास मुझे ये वाली लाइन का और ये वाली लाइन का वाई, और आपको वाई चाहिए। लग गया पता मैं आपको, लग गया पता आपको, यहाँ पर लग गया पता आपको कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये लाइन को मैं ऊपर लेके गया, ये ऐसे और ये ऐसे, ये थीटा बाई टू तो ये भी थीटा बाई टू, ये थीटा बाई टू तो ये भी थीटा बाई टू। समझ में आ गई बात कार्तिक, समझ में आ गई। ये वर्टिकल लाइन एक्स वाली है और ये वाली लाइन वाई है, ये वाली लाइन वाई है। तो हमारे पास ये आ गया थीटा बाई टू, ये आ गया थीटा बाई टू, ये एक्स है और ये आपके पास थीटा बाई टू। ये मैंने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, हाँ या ना। ये हमारे पास मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, आपके पास परपेंडिकुलर। तो अब मुझे यहां पर इस y की वैल्यू को निकालना है कि ये y आपके पास किसके बराबर होंगे। अगर ये मेरे पास यहाँ पर थीटा बाई टू है और ये मेरे पास यहाँ पर थीटा बाई टू है, ये परपेंडिकुलर है जी। यहाँ पर अब दक्ष इसका आंसर देगा कि आपके पास अगर ये थीटा बाई टू है और ये वाला एंगल भी मेरे पास थीटा बाई टू है और ये मेरे पास परपेंडिकुलर है और ये मेरे पास परपेंडिकुलर है और ये मेरे पास अगर एक्स है तो वाई किसके बराबर है। शाबाश, बोलो बोल भी सर आपकी बोलो। आवाज नहीं आ रही। हाँ सही बात है, मेरी आवाज कहाँ आती है तेरे तक आजकल। चल की नहीं आ रही। कार्तिक, हाँ बोल बोल बोल। सर कट कट के आ रही है। अच्छा कोई बात नहीं, अब आ रही है ठीक ठाक कार्तिक। हाँ जी सर, मुझे तो आ रही है। हाँ बिल्कुल, पहले पूछो भी आपके ठीक बच्चे। थी। हाँ पहले हाँ पहले भी ठीक भी, थी। पहले, कान अच्छा में चलो पहले भी कोई ठीक बात नहीं, हम थी। उस पे नहीं जाते। कार्तिक तू बता बच्चे, अगर ये एक्स है मेरे पास, ये वाली लाइन एक्स है, ये थीटा बाई टू, ये भी थीटा बाई टू, तो आपको बताने की साइन थीटा वाई इज और इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा के, क्या बोला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा के, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमको बच्चे यहाँ पर जो x आपके पास मिलेगा, जनरली बच्चे वो तो बड़ा है बच्चे आपके पास, और y बच्चा हमारे पास, तो इसका मतलब x आपकी हाइपोटेन्यूज है और y क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास y अपॉन x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा बाई टू। और मेरे पास यहाँ पर y इज इक्वल टू x ऑफ साइन ऑफ कितना आ जाएगा, थीटा बाई टू। लेकिन अभी ये क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म हुआ कि मेरे पास y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, x साइन ऑफ थीटा बाई टू। ये मेरे पास आ गई पहली इंफॉर्मेशन। अब हम आगे चलते हैं, मेरे पास जो नीचे स्प्रिंग दबा, अब बच्चा हमारे पास इसी क्वेश्चन की फिगर नंबर आपके पास तीसरी, दो हो चुके हैं ये तीसरी। हमारे पास जो मास नीचे दब चुका है, जो स्प्रिंग आपके पास नीचे वाला है जो दब चुका है, और ये कितने से दब चुका है, ये दक्ष बोलो। सर ऐसे क्वेश्चन आपको ऑफलाइन क्लास में कराने चाहिए, मजेदार अच्छा क्वेश्चन। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो कर ले। जो नीचे वाला स्प्रिंग आपके पास दब चुका है, इसके अंदर ऊपर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी, बिल्कुल डेवलप होगी। और कितनी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी आपके पास, अगर हम बोलें तो ये आपके पास ऊपर की तरफ को डेवलप हो जाएगी F1 मान लेते हैं, और मेरे पास के स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स, मैं नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहा हूँ। और हमारे पास ये जो स्प्रिंग यहाँ पर खिंच चुका है, तो जब स्प्रिंग खिंचेगा तो इस पे फोर्स कहाँ की तरफ को लग जाएगी, यहाँ पर। और यहाँ पर भी आपका एक स्प्रिंग आपके पास ओपन हो चुका है, उस पे भी फोर्स यहाँ पे लग जाएगी। ये फोर्स आपके पास नीचे वाले स्प्रिंग की है, ये वाली फोर्स F2 इज इक्वल टू के इन टू वाई है। और यहाँ पर मेरे पास ये फोर्स F3 इज इक्वल टू के इन टू वाई। मेरी बात को ध्यान से समझना, हमारे पास इस मास पे अब कुल मिलाकर तीन फोर्सेस लगेंगी, एक फोर्स नीचे वाले स्प्रिंग पे जो उसको ऊपर फेंकना चाहती है, और ये साइड वाली दोनों स्प्रिंग इसको एक एंगल पे अपनी तरफ खींचना चाहती है। तो हमारे पास यहाँ पर इस पे ये तीन फोर्सेस काम कर रही हैं, और जब हमारे पास यहाँ पर तीन फोर्सेस काम कर रही हैं, तो ये एंगल मेरे पास थीटा बाई टू और ये एंगल आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा बाई टू। अब यहाँ पर मेरे पास देखते हैं कितनी फोर्सेस काम करती है, तो जो F2 है इसके हमारे पास एक कॉम्पोनेंट यहाँ पर बन जाएगा, एंड दिस विल बी के वाई
और हमारे पास क्या बन जाएगा बोलो शाबाश, ये मेरे पास बन जाएगा साइन ऑफ थीटा बाई टू, ऊपर आपके पास क्या बन जाएगा के वाई, और मेरे पास यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा बाई टू, और इसके भी दो कॉम्पोनेंट बन जाएंगे के वाई साइन ऑफ थीटा बाई टू, और ऊपर मेरे पास क्या बन जाएगा के वाई कॉस ऑफ थीटा बाई टू। अब देखते हैं इस मास पे टोटल अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगेगी, तीन फोर्सेस, एक के एक्स की है बच्चे हमारे पास, और दूसरी प्लस ऑफ टू के वाई इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई टू। इसमें से के कॉमन आ जाएगा, मेरे पास आपके लिए एक्स है, चलो के को बाहर बाद में निकालते हैं, टू के, और वाई किसके बराबर है मेरे पास, मेरे पास यहां पर वाई किसके बराबर है एक्स साइन थीटा बाई टू। तो मेरे पास यहां पर ये आपके पास है एक्स साइन ऑफ थीटा बाई टू मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ थीटा बाई टू। अब आपको यहां पर एक फॉर्मूला मिल जाएगा, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, जल्दी बोलो क्या होता है बच्चे हमारे पास, साइन टू थीटा। मारू कान पे खींच के, साइन टू थीटा। साइन अभी तक थीटा। इतनी बात नहीं समझ में आई है, मैथ का पेपर दिए हटे हो तुम, टू साइन थीटा, टू साइन थीटा आएगा। फिर अब सुनेगा के एक्स प्लस ऑफ टू इन टू आपके पास, मेरे को लगता है तुमने मुझे बुला देना हो, नशे करके पेपर दिया इसने, अभी मैथ का पेपर दे के आ चुके हैं ये, चलो कोई बात नहीं। हमारे पास के इंटू एक्स, और हमारे पास ये आ जाएगा साइन ऑफ आपके पास यहाँ पर थीटा। तो हमारे पास क्योंकि एंगल हाफ हो गए बच्चे, तो ये साइन टू थीटा भी हाफ हो जाएगा, और अब मेरे पास इसमें से कॉमन क्या निकलेगा बताओ शाबाश, तो मेरे पास के कॉमन आ जाएगा, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक्स कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में वन प्लस साइन ऑफ थीटा। अब इसको इक्वेट करते हम आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो ये मेरे पास आ गया के वन प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू एक्स। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से ये मेरे पास के क्या आ गया, इफेक्टिव आ गया, और इस वजह से इस सिस्टम का टाइम पीरियड पता है कितने के बराबर है, टू पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के, और अब के की जगह नीचे मेरे पास क्या आएगा के वन प्लस साइन थीटा, के वन प्लस ऑफ साइन थीटा। तो ये मेडिकल वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, कल को टीचर ये एंगल 120 दे दे तो साइन 120 रूट थ्री बाई टू के बराबर होता है, वैल्यू डालो दो मिनट में आ जाएगा। अब टीचर करेगा क्या, ये एंगल बदल बदल के देगा, मेरी बात समझ गया दक्ष, अब टीचर क्या करेगा आपको एंगल बदल बदल के देगा, वो कभी ये एंगल अगर बच्चे हमारे पास 120 दे दे तो मैं आंसर निकाल दूंगा, वो बच्चे हमारे पास एंगल 150 दे दे मैं निकाल दूंगा, 60 डिग्री दे दे मैं तो भी आंसर निकाल दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करने का बड़ा आसान तरीका है, बोलो अनिश। सर जरूरी है कि एंगल ऊपर से देगा, वो साइड वाला नहीं दे सकता? अभी अभी के लिए अनिश इसको हम ऊपर से देख लेते हैं, बाकी हम एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, अभी भी देख ले बच्चे की ऑब्जेक्शन आ गई कि नहीं सर या ऑफलाइन करवा, अभी के लिए कर ले, बाकी मेरे पास अगर बोलो इसमें अगर पुली चलती है वो अटैच ना हो, मूवेबल पुली हो, इस पे पुली नहीं है कोई भी, इसमें कोई पुली नहीं है, इसमें एक मास नहीं, जैसे पिछला क्वेश्चन था, हाँ पिछले क्वेश्चन के अंदर, हाँ बोलो, उसमें अगर मूवेबल पुली वगैरह हो वो एक अलग कॉन्सेप्ट फिर बन जाएगा, क्योंकि मूवेबल पुली के अंदर हमारे पास फिर आपको टेंशन वगैरह देखनी पड़ती है, और डिस्प्लेसमेंट जो होती है फिर वो भी देखनी पड़ती है, दो चीजें होती है ना, तो दो चीजें बच्चे हमको यहाँ पर देखनी पड़ती है, ठीक है? ओके सर। वो पहले इसको समझो, पहले जो मैं आपका बेस बना रहा हूँ उसको समझो, बाकी सारी चीजें धीरे धीरे, सारे क्वेश्चंस हम इकट्ठे नहीं कर सकते ना, अगर हम ज्यादा पेट भर के खाना खा लेंगे दिक्कत वो भी देता है, तो इस वजह से पहले इसको समझो, अच्छा ये सर बात समझ में आ रही है और इतनी बात हमको समझ में आ रही है, पल्ले पड़ रही है, हम कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है? तो ये हमारे पास स्प्रिंग की प्रॉब्लम, और देख लो बच्चे आपके दिमाग के अंदर भी इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे पास जिनके आंसर हो सकता है बच्चे हमारे पास आगे हमको निकालने पड़े, तो ये हमारे पास है आज के लिए बच्चे, अभी हम इतना ही करते हैं। हाँ दक्ष बोल बेटा। हमारे दिमाग के स्प्रिंग लच गए फिर। अच्छा कोई बात नहीं, हम इसको करेंगे बच्चे, ठीक है? तभी मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आपको कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है? चलिए ओके बच्चे, बाय बाय।